नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुराबाद पूर्व अध्यक्ष पंडित सुशील शर्मा एडवोकेट हुए मीडिया से रूबरू। सुशील शर्मा एडवोकेट ने बताया, आगामी जन्माष्टमी पर्व को लेकर जब से भाजपा सरकार आई है तब से दिखावा ज्यादा हो रहा है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस राहुल शर्मा की खास रिपोर्ट। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुराबाद स्टेशन के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा एडवोकेट। सुशील शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप आगामी त्योहारों को लेकर? त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे अद्भुत नजारा है और इन त्योहारों की वजह से हमारे यहाँ समाज में एकता बनी रहती है, आपस में सौहार्द बना रहता है। ये सबसे बड़ी महत्वता है। जैसे कि आप तो ब्रिज में जन्म लिया आपने और आप तो सीनियर एडवोकेट भी रहे हैं, क्या जैसे कि जन्माष्टमी का जो पर्व आ रहा है, क्या जन्माष्टमी जो भाजपा सरकार जब से आई है जब से ही जन्माष्टमी का पर्व लोग मनाना सीखे हैं, क्या आदि काल से लोग मनाते आए हैं? जन्माष्टमी हमारे हृदय में, भारतीय लोगों के हृदय में, यहाँ तक कि विदेशों में भी इसको बड़े सौहार्दपूर्ण से और श्री कृष्ण भगवान को अपना बच्चा समझ करके, अपनी धरती का लाल समझ करके हमारे यहाँ मनाया जाता है और ये आदिकाल से बना चला आ रहा है। जब से भाजपा आई है तब से दिखावा ज़्यादा हो रहा है और जो मान्यता है वो कम हो रही है, क्योंकि भाजपा जो है हिंदू मुसलमान करती है, जबकि कृष्ण जन्माष्टमी पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे किसी भी धर्म का आदमी हो, वो सब इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से, आत्मीय तरीके से मनाते हैं। आप सब देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट। हमारे साथ जुड़े थे मथुराबाद स्टेशन के पूर्व अध्यक्ष सुशील शर्मा एडवोकेट राहुल शर्मा के साथ लाइव टेलीकास्ट मथुरा। फॉलो करते चलें धीरे धीरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करते चलें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।